बहुत साल पहले आए थे एंड बहुत साल पहले ऐसे मतलब यहाँ से चल रहे थे, मतलब यहाँ से गए थे, तो वही याद आ गया, वही मेमोरीज वापस आ गया। और हाउ डू यू फील कमिंग यू नो अंडर द टावर ब्रिज? हम लोग कहाँ पर आ गए थे, पीछे घुमा के दिखा रही हूँ आप लोग को, एक सेकंड देखिए यहाँ पर। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग जा रहे हैं लंदन घूमने एंड बेसिकली आज सुबह सुबह उठ के होता है ना, ऐसा लगा कि इतना विंटर आ गया है, ऐसा लग रहा है कि इतना टेम्परेचर ड्रॉप हो गया। आज भी तो देख रही हूँ 7-8 डिग्री है बाहर एंड इट्स वेरी कोल्ड। एंड फिर जब धीरे धीरे होता है ना, थोड़ा सा सुबह होगा एंड यू नो दोपहर होगा, तब 15 तक ही जाएगा मैक्सिमम। तो चलिए, आज हम लोग का प्लान है लंदन घूमना आसपास। बेसिकली आज मैं चाहती हूँ, हम लोग चाहते हैं कि साइंस म्यूजियम जो है ना, रायली का तो स्कूल का छुट्टी है एक हफ्ते तक, तो क्यों ना हम लोग साइंस म्यूजियम जाए एंड साइंस म्यूजियम थोड़ा सा घूम के आए हम लोग। मुझे याद है रायली का लास्ट हम लोग, मैं और रजत गई थी जब हम लोग लंदन रहते थे एंड तब रायली हुई नहीं थी, तब तो पैदा नहीं हुई थी रायली। तो जो भी है उसके लिए नया होगा साइंस म्यूजियम विजिट करना एंड हम लोग को अभी नया नया लगेगा कि कितना साल बाद हम लोग फिर आए हैं साइंस म्यूजियम देखने। एंड उसके बाद साइंस म्यूजियम के बाद हम लोग सोचे कि वो ट्यूब पकड़ के फिर टावर ब्रिज वो सब घूमेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं ब्लॉग। आई होप आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा, आप लोग एंड तक बने रहिएगा इस ब्लॉग के एंड तक और आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। एंड तो चलिए, अभी कल याद है मैं बना रही थी एक चिकन रोल, वो हम लोग खाएंगे लेकिन थोड़ा सा वो सब गर्म करके लेकर जाना पड़ेगा पैक्ड। एंड अभी फिलहाल ब्रेकफास्ट कर लेते हैं एंड तो चलिए ब्रेकफास्ट करके फिर बाद में बात करते हैं आप लोग। तो अभी हम लोग रेडी हो गए हैं, बहुत एक्साइटेड है। ये मेरा नया कोट है, मार्क्स एंड स्पेंसर से खरीदी थी उस दिन एंड बहुत सुंदर लगा सच में, इतना सुंदर। ये ना एक्चुअली टोटेमी करके एक ब्रांड है, यू नो इट्स अ हाई ब्रांड डिजाइनर, उसका जो प्राइस है करीब मतलब 80,000 का कोट है, वो एकदम होता है ना वो कॉपी करके एकदम ड्यूप बना चुके है। तो ड्यूप बना के एकदम एग्जैक्टली वहां पर 800 पाउंड का और मैं पहन रही हूँ 70 पाउंड का, तो अच्छा है, मेरा एकदम अच्छा स्टाइलिश भी लग रहा है एंड मेरा ये लुक है एंड रायली का लुक देखो एकदम इतना सुंदर लग रही है ना रायलीश। रायली का पूरा लुक दिखाऊंगी ये म्यूजियम जाके, साइंस म्यूजियम। लेकिन फिलहाल हम लोग चलते हैं, अभी हम लोग ये ट्रेन पकड़ के पैडिंगटन स्टेशन में उतरेंगे एंड पैडिंगटन स्टेशन से हम लोग साइंस म्यूजियम जाएंगे एंड फिर साइंस म्यूजियम थोड़ा सा वहां पर वक्त बिताएंगे जितना हो पाएगा एंड फिर हम लोग जाएंगे टावर ब्रिज देखने। तो चलिए आप लोग देखते रहिए ब्लॉग, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा आज का ब्लॉग देखते हुए। तो अभी हम लोग लंदन पैडिंगटन स्टेशन पहुंच गए हैं, यहाँ से फिर सर्कल लाइन पकड़ के वो साइंस म्यूजियम पहुंचेंगे। तो रायली का देखिए लुक कितना सुंदर लग रही है ना, ये कॉर्सेट पहन के ब्लूई, ये नया खरीदी थी उस दिन, रायली जीत की थी टेस्को से खरीद के देना, तो बहुत स्वीट लग रही है ना। रजत बताओ एक साल बाद आके कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। मुझे तो कल वीक ही आना पड़ता है ऑफिस के लिए। हर वीक हम लोग नहीं आते नहीं। तो हाँ, हम लोग को एक साल बाद आ रहे हैं यहाँ पर लंदन घूमने, बहुत अच्छा लग रहा है। रायली तो बहुत एक्साइटेड है लेकिन रायली ट्रेन में जो बड़ा ट्रेन होता है ना 20 मिनट लगता है, 20 मिनट बहुत टायर्ड लगता है। तो ये बेसिकली ट्यूब है, तो इसी से हम लोग जर्नी करेंगे जो जर्नी है एंड ऐसे हम लोग ट्यूब से आना जाना होता है ना थोड़ा ना राय ज़्यादा पहले। रायली क्या कर रही है, रायली व्हाट आर यू डूइंग? यहाँ पर क्यू में खड़े हैं साइंस म्यूजियम का क्यू, बहुत लंबा लाइन है, फिर हम लोग जाके एंट्री मिलेगा। तो चलिए अभी रजत भी पीछे खड़ा है, रायली भी ऐसी बैठी है रायली।
हैव गॉट द साइंस म्यूजियम मैप एंड अभी हम लोग एंट्री करेंगे. दिस इज द एंट्री पॉइंट. लेट्स गो. ग्रैंड जंक्शन रेलवे, ये 1845 पुराना है लोकोमोटिव. एंड ये देखिए ऐसे मॉडल है, बहुत सुंदर है. कितना सुंदर है ना, कितना 9 साल पुराना है बताओ तो. वर्ल्ड स्पीड रिकॉर्ड कॉन्टेंडर मिस इंग्लैंड. तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग बोट ये कंपटीशन में विनर हुआ था ना? हाँ. सी दिस इज एपिक ना, एपिक लग रहा है सच में. एपिक कार, सामने एक ड्राइवर सीट में एक, पीछे एक पैसेंजर बैठ सकते हैं. इट्स मोर लाइक अ टैक्सी. वाह.
प्लेन के अंदर का पूरा डिटेल्स दिया हुआ है, कैसे देखिए अंदर ये सब होता है। ब्यूटीफुल। इतना अच्छा से ये होता है ना, डिटेल में दिया हुआ है यहाँ पर, इतना सुंदर लगा ना देख के। ब्यूटीफुल। अच्छा ये देखिए, ये हेलीकॉप्टर का इंजन, हेलीकॉप्टर का मॉडल, एंड इसका इंजन किधर है? इंजन तो लाइन से यहाँ पर बहुत सारा इंजन है, सब एयरक्राफ्ट का इनोवेशन है, इनोवेशन। एंड यहाँ पर लाइन से इंजन एंड ऊपर मॉडल भी है प्लेन का। अच्छा है ना रजत? हाँ क्या बोल रहे हो? ये देखो यहाँ पे एक इंडियन भी है जो वर्ल्ड वॉर टू के टाइम में रैफ का फाइटर पायलट। ओह हाँ हाँ, देखो बहुत मतलब देखने का चीज है। एंड उधर देखो ना, बहुत तुम्हारा पीछे छोटा छोटा प्लेन का भी मॉडल है। आप देखिए ना, लाइन से पीछे सब बहुत सारा एयरक्राफ्ट का मतलब लाइन से डिस्प्ले क्या हुआ है। एंड पीछे सामने पीछे बहुत सारा मॉडल होते हैं। ये भी देखिए, वेयर आर गोइंग? ये देखिए, ये पुराना जमाने का कॉकपिट हुआ करता था एरोप्लेन का, ये वाला। ये कहा मतलब कितना साल पुराना है ये इंजन, तो ये पूरा डिटेल्स लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए कितना पुराना छोटा छोटा मॉडल है, यहाँ पर देखिए ऊपर देखो, ऊपर देखो। वाह, तो मुझे ये बहुत कॉन्सेप्ट अच्छा लगा। ये देखिए, मैं तो ये जानती थी पुराना ये एरोप्लेन जो हुआ था, ये पंछी का, ये मतलब होता है ना पुराना पंछी का एग्जांपल लेके बनाया गया था, लेकिन इतना डिटेल में यहाँ पर दिया हुआ है, दैट्स रियली वेरी यू नो एट्रैक्टिव एंड इनोवेटिव। काफ़ी ट्रेन में घूम रहे हैं, एंड ट्रेन पकड़ के वेम्बली पार्क जाने वाले थे, लेकिन वहाँ का ट्रेन बंद है, तो अभी ट्रेन पकड़ के लंदन ब्रिज स्टेशन में आके अभी टावर ऑफ लंदन आप लोग को थोड़ा सा व्यू दिखाऊंगी। तो एक्चुअली ये लंदन ब्रिज है, एंड यहाँ से घुमाते हुए देखिए, ब्रिलियंट व्यू। अभी हम लोग कटिशर्ट में आ गए हैं, लंदन के पास ही है टावर ब्रिज। एंड पीछे देखिए कितना बड़ा है ना ये जो डिस्प्ले में है, ये शिप है, बहुत बड़ा है, बहुत पुराना शिप हुआ करता था। तो ये यहाँ पर याद मतलब पुराना याद ताज़ा हो गया यहाँ पर आके, बहुत अच्छा लग रहा है। व्हाट आर यू डूइंग? ओह लेट्स गो। कि हम लोग लंदन यहाँ पर घूम रहे हैं, लेकिन अभी आइसक्रीम शॉप ढूंढ रहे हैं और आइसक्रीम खाएगी हम लोग, सब आइसक्रीम खाएंगे, एंड इसलिए हम लोग थोड़ा सा ये आइसक्रीम शॉप ढूंढ रहे हैं। तो अभी देखिए ये आइसक्रीम खा रहे हैं, 3B क्या नाम है, लेकिन बहुत बढ़िया है, इस दुकान से लिए है। एंड सब लोग खा रहे, रायली देखिए, रायली एंड रजत कैसा लग, कैसा है? बहुत टेस्टी, टेस्टी है। चलो खा लेते हैं। हम लोग कहाँ पर आ गए हैं, पीछे घुमा के दिखा रही हूँ आप लोग को, एक सेकंड देखिए यहाँ पर मुझे देखिए टावर ब्रिज, एंड ये तो फेमस है लंदन में, एंड ये देखने के लिए लोग आता है।
के टावर ब्रिज के यहाँ पर बहुत भीड़ है एंड टावर ब्रिज एंड वो टावर ऑफ लंदन है एंड बहुत भीड़ रहता है यहाँ पर एंड व्हाट इज राइली डूइंग यहाँ पर एक्चुअली यहाँ से ना अच्छा व्यू आता है नीचे से इतना अच्छा नहीं है लोगों का भीड़ ही आता है यहाँ से अच्छा एकदम वीडियो लेना चाहते हो तो टावर ब्रिज के सामने तो ये जो फाइव गाइज है ना इसके सामने एकदम आ जाना तो अच्छा रहेगा यहाँ से फोटो खींचने के लिए एंड वीडियो भी ले सकते हैं। अभी हम लोग इवनिंग थोड़ा सा एंजॉय कर रहे हैं। अभी पुणे 5 बज रहा है और देखिए हालत देखिए अंधेरा हो गया है। You don't know which one is daddy's office? Yes, daddy taken the photo and she's here. No, see papa and sugar. You see this building? तो अभी देखिए राइली कोशिश कर समझने की कोशिश कर रही है कौन सा राइली कौन सा रजत का ऑफिस है यहाँ पर MNG जो ऑफिस में काम करता है तो मैं घुमाते हुए दिखा रही हूँ ये जो टावर ब्रिज तो देख रहे हैं ये एंड यहाँ पर वो जो देख रहे हैं ना वो कांच का बिल्डिंग है जो सामने यहाँ पर 9th फ्लोर में है। ये देखिए ये टावर ब्रिज के नीचे से हम लोग जाएंगे अभी पैदल तो चलिए आप लोग को थोड़ा सा दिखाओ टावर ब्रिज के नीचे से जा रहे हैं एंड बहुत अच्छा लग रहा है फीलिंग बहुत साल पहले आए थे एंड बहुत साल पहले ऐसे मतलब यहाँ से चल रहे थे मतलब यहाँ से गए थे तो वही याद आ गया वही मेमोरीज वापस आ गया। दिस इज द टावर ब्रिज एंड यहाँ के नीचे से वाओ इट लुक्स सो प्रीटी sitting here Riley hello Riley what are you doing Sally how are you feeling here so Riley well, how do you feel coming to, you know under the tower bridge I'm excited that's a good question very good question to abhi kahan par aa gaye jante paddle chal ke ye tower of london ke niche se bridge se aa rahe the एंड आके रजत का ऑफिस के सामने आ गए हैं। रजत तो चाहता था कि ऑफिस हम लोग देखे रायलियर में तो देखिए मैं दिखाती हूँ ये एंट्रेंस है ये गेट से एंट्री करता है ये ऑफिस का लॉबी है ना बढ़िया है पॉश है बहुत ओ वाओ रायली बहुत खुश हो गई डैडी का ऑफिस देख के रायली का डिमांड था ना रजत रायली का डिमांड था के देखने के लिए कहाँ ऑफिस है तो ये शायद एंट्रेंस गेट है ये ऐसे यहाँ से जाते हो अच्छा हाँ तो ये ही रजत का ऑफिस है देख लीजिए अच्छा है बहुत अच्छा एक चीज देखी हूँ फ्यू आवर्स लेटर हम लोग अभी आ गए हैं लेकिन इतना बाहर आज फंस गए थे ना मतलब क्या बताऊँ मतलब इतना फ्रस्ट्रेशन भी आ रहा था एट द सेम टाइम बहुत जन मतलब हम लोग जैसे बहुत जन पूरा फंस गए थे। एक्चुअली क्या हुआ अभी 8 बज रहा है 8:30 बज रहा है करीब 8:30 बज रहा है अभी पहुंची हूँ एंड घर एंड इतना वक्त लग गया है बीच में इतना मतलब और एक ट्रेन चेंज करना पड़ा स्लाव से फिर आके फिर स्लाव से फिर रेडी एक्चुअली एक पेशेंट बेहोश हो गया है फेंट हो गया है एंड गिर गई है नीचे हाँ, गिर गई है नीचे एंड फिर गिर के कुछ हो गया है सो पैरामेडिक्स जो होते हैं वो संभाल के बोला कि ना पूरा ट्रेन खाली करो फिर हम लोग को यस
फिर बोला है कि एक ट्रेन खाली करो, फिर हम लोग नीचे उतर गए ट्रेन से, फिर नीचे उतर करके और एक मतलब प्लेटफॉर्म में जाके है, फिर हम लोग प्लेटफॉर्म और एक प्लेटफॉर्म में जाके फिर हम लोग नीचे मतलब नीचे खड़े हो गए हैं और एक प्लेटफॉर्म में जाके फिर हम लोग खड़े हो गए ट्रेन के लिए। ट्रेन इतना भीड़ है और एक ट्रेन आया, इतना भीड़ भर पूरा भर गया था पूरा कंपार्टमेंट। फिर हम लोग वो ट्रेन छोड़ना पड़ा, फिर है जस्ट फ्यू मिनट छोड़ना पड़ा, फिर और एक ट्रेन मिला तो बहुत देर लग गया आते होते। ओके आते आते इतना सॉरी अभी रैली थोड़ा सा इंटरप्ट कर रही है। एंड फिर सबका मूड एकदम खराब हो गया, जो भी आज ऐसा भी दिन का शुरुआत बहुत अच्छा था दिन का, लेकिन लास्ट में बहुत खराब हो गया है। My daddy was bad today and daddy disturbed me and mommy. He always be rude and bad. He always shout at me. How you did? Don't shout. सबका मूड एकदम ऑफ हो गया सच में, मतलब रायली का, मेरा एंड सबका, रजत का एंड, इसीलिए तो चलिए आज का ब्लॉग यहाँ पर ही एंड कर रही हूँ। आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। एंड बाय फॉर नाउ एंड वेट फॉर द नेक्स्ट ब्लॉग। एंड अभी हम लोग डिनर करेंगे फिलहाल।